दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और डांसिंग के लिए मशहूर जितेंद्र को भला कौन नहीं जानता। इन्होंने फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन से लाखों लोगों का मनोरंजन किया है। ये न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी दमदार डांसिंग के लिए भी जाने जाते थे। इसीलिए आज भी इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी, जिसे मिटा पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आप जितेंद्र के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि कौन है इनकी बेटी, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही जितेंद्र के दमदार अभिनय के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र ने आशा, अर्पण और अपनापन जैसी फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने कई ऐसी फिल्में की हैं जिसके लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें, ये अपने दौर के सबसे महंगे अभिनेताओं में शामिल हुआ करते थे। लेकिन अगर बात करें इस दिग्गज अभिनेता की बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम एकता कपूर है, जिनका जन्म 7 जून 1975 को हुआ था और बॉलीवुड से इनका नाता बचपन से ही है, क्योंकि इनके पिता जितेंद्र एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता रह चुके हैं। वहीं इनकी माँ शोभा कपूर भी फिल्म और टीवी की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। एकता के परिवार में इनके भाई तुषार कपूर और इनके बेटे लक्ष्य कपूर भी शामिल हैं। इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही सब छोड़कर अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। इन्होंने कैलाश सुरेंद्रनाथ के विज्ञापन और फिल्म में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के सहयोग से खुद की टीवी सीरियल प्रोडक्शन बिजनेस की शुरुआत की। इस बिजनेस प्रोडक्शन हाउस का नाम इन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स रखा। इनके प्रथम प्रयास में बने एपिसोड्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन अब भी हार ना मानते हुए उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल हम 5 बनाया, जिसके बाद ये सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ती चली गयी और टीवी इंडस्ट्री को कई और प्रसिद्ध सीरियल दिए। साल 2000 में इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को कई जबरदस्त सीरियल्स दिए, जिनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की जैसे सीरियल शामिल हैं। इन नाटकों ने एकता के करियर को एक नया मुकाम दिया, जिसके बाद इन्होंने अपना रुख बॉलीवुड की तरफ किया और कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कृष्णा कॉटेज और कुछ तो है जैसी फिल्में शामिल हैं। और आज इन्होंने अपने हुनर के बदौलत अपनी एक खास पहचान बनाई है, जिसे मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, आपको एकता कपूर का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।